हाय, दिस इज फिनान एंड यू आर वॉचिंग 9 PK। ये 17 अक्टूबर 1858 का दिन था, 1858, जब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर बरेस गिरिपा को हिंद के आखिरी बादशाह को जहाज पे बिठाया गया, पहली जहाज मैकनन मैकनजी पे, और इसको हिंद से रंगून भेजा गया, जहाँ पे इसको रिसीव करने वाला कैप्टन नेल्सन डेविस था। और यहाँ पे बहादुर शाह जफर के साथ उसके साथ टोटल 35 पैसेंजर्स थे, जो बहादुर शाह जफर के अपने ख़ानदान या फिर उसके जो नौकर वगैरह हैं उन पे मुश्तमिल ये काफ़िला था। रंगून में कैप्टन नेल्सन डेविस रिसीव करता है उस जहाज़ को, एक रसीद लिख के देता है, और बहादुर शाह जफर को लेकर उसकी सारी फैमिली को, ख़ानदान को लेकर वापस अपनी जगह पे आ जाता है, जो उसको सरकारी तौर पे रहाइश के लिए दी जाती है, वहाँ पे आता है। बहादुर शाह जफर एक कैदी होता है, था तो वो कैदी, लेकिन कैप्टन नेल्सन डेविस का ज़मीर गवारा नहीं करता कि वो एक बादशाह को रंगून की किसी आम जेल में भेजे, उसके साथ आम कैदी वाला सलूक करें। और वो इसी सोचो विचार में गुम होता है कि बहादुर शाह जफर को कहाँ पर रखा जाए। आई मीन टू से कि वो ये सोच रहा होता है कि बहादुर शाह जफर के शायान शान कौन सी जगह होनी चाहिए। काफ़ी सोचो विचार के बाद उसके दिमाग में आइडिया आता है, और वो अपनी रहाइश जो उसको सरकारी तौर पे रंगून में दी जाती है, उसके गैराज को खाली करवाता है, उसकी सफाई वगैरह करवाता है, और बहादुर शाह जफर को वहाँ पर शिफ्ट कर देता है। बरेसगीर पाको हिंद का बादशाह जो अब कैदी होता है, महल्लात में रहने का आदी होता है, बचपन से जिसने अब तक अपनी ज़िंदगी महल्लात में गुजारी होती है, नौकर चाकर, और उसके शायाने शान एक गैरेज होता है, और वो अपने बाकी की ज़िंदगी, जो उसके ज़िंदगी के आखिरी 4 साल होते हैं, वो उस गैरेज में गुजारता है। एक दिन बहादुर शाह जफर की खादमा गैरेज से जाती है, और जो कैप्टन नेल्सन डेविस की रहायशगाह होती है, साथ ही होती है, उसका जो मेन डोर होता है उसको नॉक करती है, एकरली नॉक करती है, और अंदर से कोई खास जवाब नहीं आता, लेकिन फिर वो कैप्टन का जो अर्दली होता है वो सुनता है, और वो डांटता है कि क्या हो गया तुम्हें, ऐसे क्यों कर रही हो। कनीज परेशान होती है, रो रही होती है, अर्दली को कहती है कि मुझे कैप्टन नेल्सन डेविस से मिलना है। वो कहता है तुम्हें क्यों मिलना है, तो वो उसे बताती है कि बादशाह अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, और वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी चंद सांसें आज़ाद फ़िज़ा में गुजारना चाहता है, आज़ादी के साथ वो अपनी ज़िंदगी की चंद सांसें गुजारना चाहता है। अर्दली उसको तसल्ली देता है और कहता है कि फ़िलहाल आप कैप्टन से नहीं मिल सकती, बिकॉज़ के कैप्टन अपने कुत्ते को कंघी कर रहा होता है। कनीज़ वफादार होती है, वो थोड़ा करती है, शोर मचाती है, वो बात वगैरह करती है, तो अंदर से कैप्टन नेल्सन डेविस वो सुन लेता है, और गुस्से में बाहर आता है कि क्या मसला हो गया तुम्हें। कनीज कैप्टन के पैरों में गिर पड़ती है, और उसे सारी सूरत हाल बताती है कि ऐसी सूरत हाल है, बहादुर शाह जफर उसकी सांसें उखड़ी हैं, वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गुजार रहे हैं, और वो सिर्फ इतना चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी चंद सांसें आज़ाद फ़िज़ा में गुजार लें। कैप्टन अंदर जाता है, अपना पिस्टल लेता है, और अपना पिस्टल लेके उसके साथ कनीज के साथ गैरेज में आता है, और साथ उसका अर्दली होता है जिसने हाथ में लालटेन पकड़ी होती है, और जब गैरेज का वो दरवाज़ा खोला जाता है तो अंदर अंधेरा, बदबू और मौत का समा होता है। बहादुर शाह जफर की आंखें खुली होती हैं, उसकी आंखें बाहर को उबल रही होती हैं, उसकी रगें फूल रही होती हैं, फूल के फट रही होती हैं, और उसका मुकम्मल जिस्म लागर हो चुका होता है। और जब कैप्टन उसकी गर्दन पर हाथ रख के चेक करता है तो बहादुर शाह जफर की डेथ हो चुकी होती है। वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी चंद सांसें जो आज़ादी में गुजारना चाहता था वो भी उसको मैसर नहीं होती, और वो कैद ही में, गुलामी में, कैद में अपनी ज़िंदगी निकाल देता है, बसर कर देता है, और मौत के मुंह तक पहुंच जाता है। कैप्टन नेल्सन डेविस को अफसोस होता है उसकी मौत का, और वो उसके अहलो अयाल जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश करता है, ताकि वो लोग आएँ और अपने मज़हब के मुताबिक उसे गुसल और कफन वगैरह देकर उसको सुपुर्द खाक करें। लेकिन वहाँ पे उसके एल ओ एल कौन होते हैं, एक जवान बख्त शहजादा, और दूसरा बादशाह बहादुर शाह जफर का मुअल्लम होता है, टीचर होता है, मोहम्मद इब्राहिम।
इन दोनों को बुलाया जाता है और फिर इनको बुलाने के बाद गुसल वगैरह और कफन वगैरह दिया जाता है। लेकिन रंगून में बहादुर शाह जफर को दफन करने के लिए जगह नहीं मिलती। बहादुर शाह जफर की एक नज़म भी है, शेर भी उसने लिखा था इसी कैद में, जो कुछ इस तरह था कि दो गज जमीन भी ना मिली अपने शहर में। तो कुछ इस तरह का वाक्या होता है और फिर कैप्टन जो होता है वो जो उसको रहाइश मिली होती है सरकारी तौर पे, वहाँ पे कब्र बना के उसको दफन करने का एहतमाम करता है। कब्र बनाई जाती है, उसको गुसल कफन वगैरह दिया जाता है और नमाज जनाजा पढ़ के उसको दफन कर दिया जाता है। वहाँ पे जो उसका टीचर होता है बहादुर शाह जफर का, मोहम्मद इब्राहिम, उसके दिमाग में वो पुरानी फिल्म चलती है जो 1835 की, 1835 की जो फिल्म होती है वो उसकी नज़रों के सामने आती है। जब बहादुर शाह जफर को ताज पहनाया जाता है, बहादुर शाह जफर को ताज पहनाया जाता है, हर तरफ रौनकें होती हैं और ताजपोशी का जो जश्न होता है वो 7 दिन तक चलता है। चारों तरफ नौकर चाकर कनीज़ें गाने वालियाँ और मुबारकबादें देने वाले को झुरमट लगे होते हैं जब उसको ताजपोशी की जाती है। एक वो वक्त होता है और अब एक ये वक्त होता है कि बहादुर शाह जफर की कब्र पर खड़े होके कुरान पढ़ने वाला कारी जो अच्छी ज़ुबान में कुरान पढ़ सके वो भी नहीं होता। लिहाजा मोहम्मद इब्राहिम उसकी कब्र के किनारे खड़े होके खुद ही तलावत करते हैं तो उसे अल्लाह के हवाले कर देते हैं। ये थी कहानी बहादुर शाह जफर की, उसकी आखिरी जो कुछ आयाम होते हैं उनकी। एक वक्त का बादशाह अपनी आखिरी ज़िंदगी में आज़ादी की चंद सांसें लेने को तरस जाता है। उसके पास ना कफन का अहतमाम होता है, ना कब्र का अहतमाम होता है, ना उसको गुस्ल जनाजे का अहतमाम करने वाला कोई अहलो अयाल मौजूद होता है। अब तक लिए इतना ही। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल 9PK को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस लाजम करें ताकि आने वाली वीडियो आपको तसलसल के साथ मिलती रहे।